आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ सैयद हुसैन के साथ। तालुक का अचलपुर शहर के थर्मसपुरा पुलिस स्टेशन में आज जो हमारे पुलिस स्टेशन में मैंने मीटिंग बुलाई थी, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद में हिंदू कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है स्पीकर यूज के बारे में, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है। रात को जैसे 10 बजे के बाद में और सवेरे 6 बजे तक कोई भी धर्मदाय संस्था, जैसे कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी बौद्ध विहार हो, वहाँ पे अपना स्पीकर नहीं चलेगा। सच्ची खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए TNN 24 न्यूज चैनल। कोई भी धर्मदाय संस्था, जैसे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या फिर बौद्ध विहार हो, वो अगर सवेरे 6 बजे के बाद में लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो डेसिबल है, जो प्रमाणित डेसिबल है, उसके तहत वो अपना उसका पालन करके वो लाउड स्पीकर चला सकते हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ सैयद हुसैन के साथ। हम इस वक्त है तालुक का अचलपुर शहर के थर्मसपुरा पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ है सुलभा राउत मैडम। तो चलिए उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो मीटिंग हुई है, किस मीटिंग के पीछे क्या उद्देश्य है। TNN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो हमारे पुलिस स्टेशन में मैंने मीटिंग बुलाई थी, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद में हिंदू कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे शामिल थे मीटिंग में। और मीटिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है स्पीकर यूज के बारे में, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है। रात को जैसे 10 बजे के बाद में और सवेरे 6 बजे तक कोई भी धर्मदाय संस्था, जैसे कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी बौद्ध विहार हो, वहाँ पे अपना स्पीकर नहीं चलेगा। जैसे नमाज हो, आरती हो, कोई भी प्रार्थना हो, उस स्पीकर पे नहीं होगी सवेरे 6 बजे से पहले। अगर 6 बजे के बाद में स्पीकर चलाए तो अपने डेसिबल ध्यान में रख के, जैसे औद्योगिक जोन में कितना डेसिबल रखना है, साइलेंस जोन में कितना डेसिबल रखना है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे कितना डेसिबल रखना है, इसके बारे में हमने यहाँ पे उन लोगों को